ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छे पूछे हुए हैं। लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें पता होना चाहिए एस एन से मतलब क्या है, टी वन प्लस टी टू प्लस एंड सो ऑन टी एन तक, ये होता है एस एन का। अब थ्री टाइम्स ऑफ एस एन इज इक्वल टू एस टू एन, जरा एन को वन रख दो, अगर हम एन को वन रखते हैं तो थ्री टाइम्स ऑफ एस वन इज इक्वल टू एस टू वन। एस वन से मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और एस टू से मतलब है टी वन प्लस टी टू, ठीक है, ये तो है। तो इसे इधर ले आओ, तो टू टाइम्स ऑफ टी वन इज टी टू आ गया, ठीक है। अगर टी वन हमने ए माना है तो टी टू कितना हो गया हमारे पास, टू ए हो गया, ठीक है। अगर टी टू टू ए हो गया तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं आगे, इन्होंने हमसे क्या पूछा है, वट इज एस थ्री एन रेशो एस एन, एस थ्री एन रेशो एस एन। अब देखो एस थ्री एन रेशो एस एन पूछा है, एन को वन रख दो तो एस थ्री अपॉन एस वन हो गया। भाई एस थ्री से मतलब क्या, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अपॉन टी वन। टी वन कितना था हमारे पास, ए, टी टू कितना है, टू ए, टी थ्री कितना जाएगा, थ्री ए अपॉन ए, ए कैंसिल कर लो तो थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स रेशो वन आ जाएगा इसका आंसर, तो सिक्स रेशो वन इसका आंसर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन चलती रहेगी, एस थ्री एन रेशो एस टू एन पूछा है, यानी कि एस थ्री अपॉन एस टू हो गया अगर एन को हमने वन रख दिया तो। एस थ्री हमारे पास कितना आया था ऊपर, ये आया था एस थ्री हमारे पास सिक्स ए आया था, ठीक है। तो एस थ्री की जगह क्या रखते हैं, सिक्स ए, और एस टू कितना आया था, टी वन प्लस टी टू यानी कि थ्री ए, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, कितना का टू रेशो वन, इसका ही आंसर।